हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर के बारे में। सो दोस्तों, ट्विटर जो है वो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी है। दोस्तों, ट्विटर पे जो है हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। और ट्विटर का जो सबसे मज़ेदार जो फीचर है दोस्तों, वो है उसका ट्विटर ट्रेंड। दोस्तों, डेली बेसिस पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड करती है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो जाते हैं, ऐसे में हम जो है उस टॉपिक्स को देखते हैं, वहाँ पे जो ट्वीट्स है उसको देखते हैं, रीड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं। ऐसे में दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है वहाँ पे कुछ ट्वीट्स जो ऐसे होते हैं, कुछ वीडियोस या कुछ फोटोग्राफ्स जो है कुछ ऐसे होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं या हमें अच्छे नहीं लगते या कह सकते हैं इनअप्रोप्रिएट होता है। ऐसे में दोस्तों, ऐसे जो ट्वीट्स है, ऐसे जो वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, ऐसे जो कंटेंट है, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है, अगर हम मैनेज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्विटर पे जो है आपका जो कंटेंट है, जो आपको विजिबल होता है आपकी ट्विटर पे, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल टिप हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। तो ये जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्विटर पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट जो है वो हमें परेशान कर देते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके लिए जो ट्विटर जो है उसमें एक सेटिंग्स देखने को मिलती है जिसको कहते हैं सेंसिटिव कंटेंट सेटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंसिटिव कंटेंट जो है वो किसे कहते हैं। तो सेंसिटिव कंटेंट जो है उसमें ग्राफिक्स रिलेटेड जो कंटेंट है वो आ जाते हैं, जैसे वायलेंस के वीडियोज़ है या फोटोग्राफ्स है या फिर फेटल इंजरीज है, लाइव डेथ का जो वीडियो है या ऐसा कोई भी वीडियो है जो विजुअली इनअप्रोप्रिएट है या विजुअली जो है आपको परेशान कर सकता है, ऐसे जो कंटेंट है, जो ग्राफिक्स के रिलेटेड जो कंटेंट है वो सेंसिटिव कंटेंट में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मच्योर कंटेंट होता है, जो एडल्ट कंटेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें पोर्नोग्राफी आ जाती है, न्यूडिटी आ जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये एडल्ट कंटेंट वो सेंसिटिव कंटेंट में होता है। इसके अलावा हेट स्पीचेस है या फिर ऐसे कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो सेंसिटिव कंटेंट में आ जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि हम जब कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो ऐसे में अगर कोई मूवी जो है वो एक्शन मूवी है या फिर हॉरर मूवी है या फिर जिसमें एडल्ट अगर कंटेंट है, तो मूवी से पहले हमें डिस्क्लेमर देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये जो मूवी है या ये जो पिक्चर है, ये जो फिल्म है, उसमें आपको वायलेंस देखने को मिलेगा या फिर मच्योर कंटेंट देख सकते हैं या फिर हॉरर सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों, ट्विटर जो है उसमें भी हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है सेंसिटिव कंटेंट सेटिंग का। तो दोस्तों, सेंसिटिव कंटेंट सेटिंग का जो सेटिंग्स है, ये आपको अपने ट्विटर एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो ट्विटर एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना ट्विटर एप्लीकेशन उसको ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिलेगी, उसको सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ जो है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सेफ्टी का जो सेटिंग्स है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या करना है, जो कंटेंट यू सी का जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है कि आप डिसाइड करिए कि आप जो है ट्विटर पे क्या देखना चाहते हैं आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो ये जो कंटेंट यू सी जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले मीडिया डेट में कंटेंट सेंसिटिव कंटेंट। तो दोस्तों, ये वाला जो टॉगल है, अगर ये वाला टॉगल आप ऑफ रखेंगे तो आपको जो है अपने ट्विटर में जो सेंसिटिव कंटेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये वाला टॉगल आप ऑन कर लेंगे तो आपको सेंसिटिव कंटेंट आप अपने ट्विटर में देख पाएंगे। अगर इसको ऑफ करेंगे तो सेंसिटिव कंटेंट जो है वो ऑफ हो जाएगा आपके ट्विटर में से। तो अब से आगे से दोस्तों, अगर आप अपने ट्विटर में स्क्रॉल करते हैं, आप ट्वीट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो देखते हैं या ट्विटर ट्रेंड्स अगर देखते हैं और वहाँ पर अगर कोई कंटेंट जो है वो सेंसिटिव है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और सेटिंग्स यहाँ पर आपको करनी है। सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है सर्च सेटिंग्स, उसको सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ सबसे पहला है हाइड सेंसिटिव कंटेंट।
तो ये वाला टॉगल दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आप ट्विटर में कुछ सर्च करते हैं और अगर सर्च जो रिजल्ट है वहाँ पे भी अगर कोई सेंसिटिव कंटेंट है तो वो आपके सर्च रिजल्ट से हाइड हो जाएगा, वहाँ पे आपको सेंसिटिव कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला टॉगल आपको सिलेक्ट करना है और सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे है उसमें लिखा है रिमूव ब्लॉक एंड म्यूटेड अकाउंट, यानी कि आपने जो भी अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है या म्यूट किया हुआ है तो वो जो सर्च रिजल्ट तो वो जो अकाउंट्स है वो भी आपके सर्च रिजल्ट से डिलीट हो जाएंगे, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये दो सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपको जो है आपके ट्विटर में आगे से सेंसिटिव कंटेंट जो भी होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में अगर आप ट्विटर पे स्क्रॉल करते हैं, आप ट्वीट्स देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, ऐसे में अगर वहाँ पे कोई सेंसिटिव कंटेंट है तो वहाँ पे जो है ट्विटर आपको वो कंटेंट को ब्लर कर देगा और आपको सबसे पहले वहाँ पे देखने को मिलेगा एक नोटिस देखने को मिलेगी सेंसिटिव कंटेंट का, आपको वहाँ पे वार्निंग देखने को मिलेगा और नीचे कुछ लाइंस देखने को मिलेगी जहाँ पे लिखा होगा कि ये जो फोटोग्राफ्स या वीडियो है उसमें पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट कंटेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये वार्निंग्स आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप श्योर है, अगर आप कंफर्टेबल है, आप श्योर है कि आपको इस कंटेंट को देखना है तो यहाँ पे तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सी वीडियो या सी वीडियोस या फोटो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तभी वो वीडियो या जो फोटोग्राफ्स है वो प्ले होगा, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है वो सेंसिटिव कंटेंट सेटिंग्स आपको ट्विटर एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। स्टे सेफ, स्टे